आज का टॉपिक है हमारा लुकअप एंड रेफरेंसेस फार्मूला। ठीक है जी, तो लुकअप एंड रेफरेंसेस में कौन कौन से फार्मूला होते हैं हम ये देखेंगे। हम जाएंगे यहाँ फार्मूला में और ये जो कैटेगरी है इसमें जितने भी फार्मूला हैं इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारी अब तक की मेरे ख्याल से 8-9 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने पिछले सेशंस में आपको कवर किया था कि सारे फार्मूलाज़ के बारे में और डेप्थ इन्फॉर्मेशन एक्सेल में, जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पेस्ट स्पेशल एंड कस्टमाइजेशन। तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम लुकअप एंड रेफरेंसेस फार्मूला पे पहुँचे हैं, और इसके अंदर जो सबसे पहला फार्मूला है वो है आपका एड्रेस का फार्मूला। ठीक है, एड्रेस के फार्मूला में आप देखेंगे कि आपके पैरामीटर में सबसे पहले मांग रहा है हमें रो नंबर, तो जैसे रो नंबर दे दिया मैंने कोई भी, और कॉलम नंबर, और जो कॉलम नंबर देंगे कॉलम नंबर 2 दे दिया मैंने, तो ये एड्रेस का फार्मूला एड्रेस बना देता है उसके लिए। ठीक है, मतलब सेल रेफरेंस का एड्रेस क्रिएट करेगा। तो जैसे मैंने रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 डाला था तो इसने B1 एड्रेस बनाया है। तो मान लीजिए कि B1 में कुछ लिखा हुआ है, अब हम ये लेंगे कैसे? अगर मैं इक्वल टू करके इसको रेफरेंस को लेता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं, वो लिखा हुआ आ जाता है। तो इस एड्रेस का फ़ायदा कहाँ होता है? हमारे पास होता है इनडायरेक्ट का फार्मूला, लुकअप रेफरेंसेस का ही फार्मूला है ये भी। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो A1 में जो टेक्स्ट है उसको ये एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, जिसके थ्रू उसकी जो वैल्यू है उस एड्रेस की वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो एड्रेस का फॉर्मूला आपको रो नंबर कॉलम नंबर के बेसिस पे एक एड्रेस देता है, और इनडायरेक्ट का फॉर्मूला किसी भी टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब किसी ने मेरे से पूछा था कि हम सब कुछ ड्रैग कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे ना ABCD इस तरह से जो कॉलम लिखा हुआ है वो चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं कैसे करते हैं। B3 कॉलम नंबर डाल दूँ ताकि, तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा एड्रेस में, उससे पहले मुझे कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास होता है एक रो का फार्मूला, ये चीज़ हम करेंगे। रो का फार्मूला क्या करता है, करंट रो नंबर देता है। अगर आप रो के फार्मूला में कोई रेफरेंस डालते हो तो उसका रो नंबर देता है। ठीक है, इसी तरह कॉलम का फार्मूला है जो हमें करंट कॉलम नंबर देगा, और कोई रेफरेंस डालेंगे तो उसका कॉलम नंबर देगा। ठीक है, तो रो कॉलम का आगे फार्मूला हमारा किस काम आता है, जैसे कि आपके पास कोई लिस्ट है। अब लिस्ट में क्या करना होता है, हमें हर बार मान लीजिए कि सीरियल डालना है इसके आगे, यहाँ पे 1 2 3 4 करके इस तरह से सीरियल डाला हमने। आप प्लीज़ इसमें म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रही। तो इसके अंदर जैसे हमने सीरियल डाला, और अगर मैं कोई बीच में से डेटा डिलीट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है वापस से सही सीरियल नंबर। तो इस जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रो का फॉर्मूला। ठीक है, करंट रो नंबर देगा। अब ये मैंने रो का फॉर्मूला ड्रैग कर दिया। अब मान लीजिए इसमें से मैं कुछ डिलीट भी करता हूँ तो आपका सीरियल नहीं जाएगा, क्योंकि आपका रो नंबर तो वही रहेगा। ठीक है, और आप कहते हो मेरा डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, आप कहते हो कि ऊपर हेडिंग है और डेटा शुरू होता है यहाँ से, तो
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रो का फॉर्मूला है जैसे 6 रिटर्न कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा कि ये 1 रिटर्न करे, -5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नीचे तक ड्रैग कर दो और आपके सीरियल वहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब आप इनमें से कुछ भी डिलीट करते हो तब भी वैसे ही चलता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, कईयों को चाहिए होता ऑटो नंबर कि आप यहाँ पे लिखो तो सीरियल नंबर अपने आप आता जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे पर इसको डाल देंगे इफ़ के फार्मूला में कि अगर मेरी बगल वाली सेल जो कि B6 है इक्वल टू ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक रहे, अदरवाइज ये फार्मूला चलाए। ठीक है, तो मैं इसको ये फार्मूला नीचे तक कॉपी कर देता हूँ, तो कुछ नहीं है तो ब्लैंक दिखा रहा है, जैसे ही कुछ आएगा इसमें सीरियल पढ़ते शुरू हो जाए। ठीक है, सेम चीज़ आप कॉलम के फार्मूला के साथ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो बताया था कि किसी ने मेरे से कहा था कि मुझे कॉलम का जो ABCD आ रहा है ये चीज़ चाहिए, मैं ड्रैग करूँ और यहाँ पे ABCD जो भी कॉलम नंबर है वो आ जाए, तो कैसे आएगा? रो नंबर कॉलम नंबर आपका किससे आ जाता है? एड्रेस में जो रो कॉलम है वो रो कॉलम के मैं फॉर्मूले ही दे देता हूँ, तो करंट रो नंबर और करंट कॉलम नंबर दे रहा है। ठीक है, ये आया, अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँगा तो मुझे एड्रेस दे रहा है उस सेल का। अब इसमें क्या हटाना क्या है मुझे, ये डॉलर हट जाए और वन हट जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम ये काम किससे कर सकते हैं कि एड्रेस से जो टेक्स्ट आया है उसको डाल दिया मैंने सब्स्टिट्यूट में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं हम, जो आपका टेक्स्ट होता है और ओल्ड टेक्स्ट मतलब उसके अंदर जो टेक्स्ट है, मैंने कहा डॉलर है उसके अंदर, और वो न्यू टेक्स्ट मतलब किससे बदली हो जाए, ब्लैंक से डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये क्या हो गया, अब मेरे डॉलर हट गए, वन को हटाना है तो सब्स्टिट्यूट से जो टेक्स्ट निकल के आया है उसको फिर से सब्स्टिट्यूट में डाल दिया और यहाँ ओल्ड टेक्स्ट में लिख दिया मैंने कि वहाँ वन है जिसको ब्लैंक से आपने रिप्लेस करना है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका कॉलम नंबर कॉलम का जो भी है वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज का ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इनडायरेक्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब किसी ने मेरे से कहा कि यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मैं ये नंबर तब चाहता हूँ कि मैं फार्मूला कोई बनाऊँ और इधर ड्रैग करूँ और ये नीचे नीचे ड्रैग होता जाए, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं इसको करूँ ये 79 और इधर से जब ड्रैग करूँ तो 47-45 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं कैसे करूँगा, फार्मूला से बना के दिखाता हूँ, वो तो है ही, फार्मूला से बना के दिखाता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से मुझे मिल जाएगा पहले तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला जो कि टेक्स्ट को एड्रेस में करेगा, और टेक्स्ट में मैं क्या डालूँगा, टेक्स्ट में क्या डालूँगा, डी मेरा कॉमन लेगा, D4-5 ऐसे बढ़ता जाएगा ना, तो डी मैंने डाल दिया पहले तो। ठीक है, फिर कंकेटिनेट किया उसको कि 4-5 कैसे आएगा, कॉलम हमें एक नंबर देता है। ठीक है, तो 4-5 या तो मैं फोर्थ कॉलम चूज कर लूँगा। ठीक है, डी ऐसे भी कर सकता हूँ ताकि मुझे 4 देगा, आगे बढ़ाऊँगा क्योंकि डॉलर नहीं दिया है तो ये 4-5-6-7 अपने आप दे देगा। ठीक है, इसको मैंने क्लोज किया और ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस तरह से रो में आ जाए, हैं? क्या करूँगा मैं, अब इसमें भी ऐसी ही ट्रिक लगेगी। अब इसमें मुझे क्या करना है, कॉलम चेंज करवाना है ना,
रो जो है मेरी वही रहेगी, तो रो तो मिल रही है, कॉलम कहाँ से मिलेगा? एड्रेस का फॉर्मूला देता हूँ, इनडायरेक्ट में एड्रेस का फॉर्मूला देता हूँ, जिसमें रो नंबर तो आपकी सेम रहेगी, कौन सी है? फोर्थ रो है, ठीक है। और कॉलम नंबर कहाँ से मिलेगा? कॉलम नंबर मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं नीचे ड्रैग करने वाला हूँ, और रो कॉलम कौन सा है ये? 4, 5, 6, 7 कॉलम है, सेवन्थ कॉलम है, वो बढ़ना चाहिए आगे। तो मैं रो के फॉर्मूला में वो चूज़ कर लेता हूँ जहाँ से मुझे 7 मिलेगा, ठीक है, ये इससे मिलेगा या किसी से भी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मैंने इनडायरेक्ट का लगाना था, यहाँ इंडेक्स लग गया है, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं ड्रैग करूँगा, तो ये यहाँ से ले आ, ठीक है, समझ आया नहीं आया? देखिए एड्रेस में क्या देना है, पहले रो नंबर, उसके बाद क्या देना है? कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में क्या दूंगा? यहाँ 7 दूंगा, तब मुझे वो G4 बना के देगा, आगे बढ़ूंगा H4 I4, तो 7, 8, 9 इस तरह से चाहिए। तो रो में मैंने F7 सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ F7 में रो कौन सी है? 7, और नीचे गया F8, तो मतलब GHIJK वो बढ़ता चला जाएगा, एड्रेस को मिलेगा एड्रेस, उसे एड्रेस में कन्वर्ट करता चला जाएगा, ठीक है। ये किस काम आएगा सर? ये इसी काम आएगा जो मैंने दिखाया, ठीक है। अगर मैं खाली एड्रेस का फॉर्मूला चलाऊं तो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा इसके सामने का, और आपको पता पड़ जाएगा कि इसने क्या जनरेट किया है, ठीक है। ये G4 इस तरह से जनरेट किया है इसने, ठीक है। यही मैंने इनडायरेक्ट को दे दिया, तो उसने वैल्यू निकाल दी। इनडायरेक्ट एड्रेस की वैल्यू निकाल दी। हाँ, एड्रेस टेक्स्ट बनाता है, ये टेक्स्ट है। अगर आपको टेक्स्ट से वैल्यू चाहिए तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, एड्रेस उसका टेक्स्ट बनाता है, फिर इनडायरेक्ट टेक्स्ट से वैल्यू। टेक्स्ट से वैल्यू, ठीक है। तो आपको अभी इसमें मैंने क्या दिखाया, एड्रेस, इनडायरेक्ट, रो, कॉलम, ठीक है, ये चार फॉर्मूला है। इनडायरेक्ट का और भी यूज़ है, डेटा वैलिडेशन में बहुत अच्छा खासा यूज़ है उसका, इस तरह से भी है। अब डेटा वैलिडेशन में आपको इसका यूज दिखाता हूँ इनडायरेक्ट का। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने डालना है प्रोडक्ट, डाल लेते हैं कोई, तो प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ माउस, MOUS, ठीक है। ये मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट बना ली, ठीक है, चार्जर, लैपटॉप, माउस, पेन ड्राइव, लैपटॉप, चार्जर, ठीक है। लैपटॉप के साथ एक डेस्कटॉप रख ले, लैपटॉप यहाँ रख लेता हूँ, चार्जर ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे डेस्कटॉप टैब, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेन ड्राइव, माउस, चार्जर, हेडफोन, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एक्सेसरीज, और ये हो गए मेरे आइटम्स, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन बनानी है मुझे यहाँ, जिसमें से मैं आइटम और एक्सेसरीज चूज करूंगा, और यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी कि आइटम में क्या है, ये तीन प्रोडक्ट हैं, और एक्सेसरीज में क्या है, ये है, इस तरह से बनाना है। तो मैं इसको कैटेगरी, कैटेगरी, और यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहली डेटा वैलिडेशन में लगाऊंगा, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट है,
और लिस्ट में मैंने ये दोनों चूज़ कर लिए कि एक्सेसरीज आइटम्स इस तरह से ये आएगा। लिस्ट में क्या होता है आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ एक ड्रॉप डाउन चाह रहा हूँ, जो एक्सेसरीज अगर सिलेक्ट हो तो वही ड्रॉप डाउन एक्सेसरीज वाले प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, अदरवाइज आइटम वाले प्रोडक्ट दिखाए, ठीक है, जो यहाँ सिलेक्ट करूँ। ये कैसे बनेगा, नेम्ड रेंज हमने किया था, है ना। सबसे पहले मैं इन दोनों की नेम्ड रेंज की क्रिएट कर दूंगा। एक तो इसको सिलेक्ट किया, नेम बॉक्स पे गया और मैंने नाम रख दिया एक्सेसरीज, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस बन गया वो बन गया एक्सेसरीज। जब मैं एक्सेसरीज लिखूंगा तो उसका मतलब हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से इसका नाम मैंने सेम कर दिया आइटम्स, ठीक है। तो जब मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू आइटम्स तो उसका मतलब हो गया ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए इनका एड्रेस बना चुका हूँ, तो अभी तो क्या ये टेक्स्ट है, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट, ठीक है। जब मैं इसको इनडायरेक्ट कर दूंगा तो इसको एड्रेस ये रेफरेंस में चेंज कर देगा। तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला मैंने कॉपी कर लिया, कट किया, अब सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गया, लिस्ट में गया और ये फॉर्मूला डाल दिया सोर्स में, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सेसरीज में एक्सेसरीज के आइटम, आइटम में ये, कुछ भी आप चूज़ करोगे तो उसी की ड्रॉप डाउन दिखाएगा आइटम में। तो क्लियर हो गया इनडायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में जहाँ पे हम पहले वैल्यूज डालते थे वहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे, हाँ, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूला देख लिए, अभी एड्रेस, रो कॉलम, इंडेक्स वगैरह दिया। देखिए एरियाज का फॉर्मूला है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, पर बता देता हूँ करता क्या है। एरियाज का फॉर्मूला क्या करता है, इसके अंदर आप जितने रेफरेंस देते हो, क्योंकि रेफरेंस एक ही आ रहा है, तो आपको अंदर ब्रैकेट में इस तरह से एड्रेस देना पड़ेगा कॉमा कॉमा करके, ताकि वो एक ही पैरामीटर में पड़े। तो ये क्या करता है, ये बताता है कि कितने रेंज सिलेक्टेड है, कितने रेंज आपने दिए हैं, बस यही बताता है, इसका कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका चूज का फॉर्मूला। चूज़ का फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स देता हूँ, ठीक है, चूज़ का फॉर्मूला लगाता हूँ। चूज़ में पहली चीज़ मांगता है इंडेक्स नंबर, ये, फिर उसके बाद वैल्यू 1, 2, 3, 4 आ रहा है, तो ये मैंने 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, इस तरह से मैंने दे दिया वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5। तो जो नंबर डालूंगा उस नंबर की ये वैल्यू दे देगा बस, ठीक है। तो पहले नंबर की वैल्यू, दूसरे नंबर की वैल्यू, तीसरे नंबर की वैल्यू, चौथे की और पांचवें की, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ नंबर डालूँ और मंथ आ जाए जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है, यहाँ पे नंबर डालूँगा और यहाँ मंथ आना चाहिए। इसके लिए क्या करूँगा, मेरे को जनवरी फरवरी लिखना पड़ेगा बहुत सारा, तो फॉर्मूला के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे एक तरीका है जिससे क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको ड्रैग किया, दिसंबर तक आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, इसको इतना फैलाऊँगा कि एक सेल में आ पाए, और जाऊँगा फिल में जाके जस्टिफाई, मैंने बताया था शायद, जस्टिफाई नहीं बताया, तो जस्टिफाई क्या करेगा, इसको एक सेल में मर्ज कर देगा, हैं। कभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो अलग अलग रो में, तो इसको कर दीजिए कि एक ही नाम आ पाए, और उसके बाद फिर से जस्टिफाई फिल में जाके जस्टिफाई यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो आप जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए पहले आपको इसको फैलाना होता है, हाँ बता रहा हूँ, हाँ। अब मुझे क्या करना है,
फार्मूला में मुझे टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए और कॉमा भी चाहिए, है ना। तो फाइंड रिप्लेस का यूज़ करेंगे। फाइंड हमें क्या करना है, स्पेस, स्पेस की जगह क्या लगाए ये, क्योंकि स्पेस सब में मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, रिप्लेस करूँगा, लग गया, ठीक है। तो इसमें एक पीछे का इन्वर्टेड कॉमा लगाना है मुझे, क्योंकि वहाँ भी स्पेस नहीं था, और एक आगे का लगाना है, बन गया। अब चूज़ का फॉर्मूला मैं टाइप कर देता हूँ, इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ से ले लिया, कॉमा लगा दिया, तो वैल्यू 1, 2, 3, 4 में जनवरी फरवरी आ गया आपका, है ना। तो 1 डालोगे जनवरी, 2 डालोगे फरवरी, 3 डालोगे मार्च, 4 डालोगे अप्रैल, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। चूज़ के फॉर्मूला को हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं किसी अदर फार्मूला के साथ, जहां हमने वैल्यू में टेक्स्ट वगैरह दिया है ना, तो वहां पे हम यूज़ कर सकते हैं कोई फार्मूला भी। जैसे कि आपको दिखाता हूँ इसका एक एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं और मुझे क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है इनको। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए क्या फार्मूला है, स्मॉल लार्ज का बताया मैंने, एक आपका फार्मूला है, जैसे 1, 2, 3, 4 कर देता हूँ, पहले 1, 2, 3, 4, ग्यारह वैल्यूज़ हैं टोटल। अब स्मॉल का फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें आप रेफरेंस दो, पूरी वैल्यूज़ दे दी, के का मतलब है कौन सी स्मॉलेस्ट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, तो के मैं लूँगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद ये वैल्यू कर दूंगा, तो ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट आ गई। तो ये फॉर्मूला है आपका स्मॉल का, ठीक है। एक फॉर्मूला है लार्ज का, लार्ज का फॉर्मूला क्या करता है, सेम वैसे ही एरे और के इसमें डालता है, कि या आपको फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इस तरह से वैल्यू दिखाता है। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग आ रहा है आपका, कैसे होगा, ठीक है। हाँ, 1, 2 लेना जरूरी है, उसको बताना पड़ता है कौन सी वाली वैल्यू, पहली स्मॉलेस्ट, दूसरी स्मॉलेस्ट, तीसरी स्मॉलेस्ट। हाँ, उसके बाद रो का फॉर्मूला दे दो चाहे तो, ठीक है, अगर 1, 2, 3 नहीं लिखना चाहते। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, अब चूज़ के साथ इसका यूज़ करता हूँ, कि मैं यहाँ पे ना एक चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन दे दिया लिस्ट, और मैंने कहा यहाँ पे मैंने असेंडिंग और DESC डिसेंडिंग, ठीक है, दो चीज़ आ रही हैं यहाँ पे, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब चूज़ के अंदर मैं ये दोनों फार्मूला लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा वो दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले एक इफ़ का फार्मूला लगाऊंगा जो मेरे को 1, 2 देगा, कैसे, कि अगर ये वैल्यू इक्वल टू ASC है तो यहाँ पे 1 आ जाए, अदरवाइज 2 आ जाए, ठीक है। तो असेंडिंग के लिए 1, डिसेंडिंग के लिए 2, ठीक है, या किसी भी वैल्यू के लिए 2, तो मैं यहाँ से लूँगा। अब मैं चूज़ के अंदर इंडेक्स नंबर ले लूँगा यहाँ से, ठीक है, इसको फ्रीज कर लेता हूँ क्योंकि मैं ड्रैग करने वाला हूँ, और वैल्यू 1 में मैं फॉर्मूला लगा दूँगा स्मॉल का असेंडिंग के लिए। तो ये मेरा हो गया एरे, और के यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और लार्ज का वैल्यू 2 में लगा दूंगा, ये एरे फ्रीज कर दिया, और के भी यहाँ से ले लूँगा, ठीक है, ये लग गया आपका फॉर्मूला। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगा डाउन तक, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग।
अब इस फॉर्मूला को आप इसके अंदर भी रख सकते हैं, उसके लिए मुझे पहले इसको फ्रीज करना पड़ेगा। ये इक्वल टू से पहले तक मैं कॉपी कर लूँगा फार्मूला, और जहाँ मैंने इसका रेफरेंस दिया है, ये चूज़ में यहाँ एस टू में दिया था ना, इस जगह वो फार्मूला डाल दूँगा। ठीक है, अब इसके बाद ये फार्मूला ड्रैग कर दूँगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं अब, चलो फिर भी रख देता हूँ। तो ये अपने आप में असेंडिंग डिसेंडिंग अपने आप चले गए। ठीक है, फिल्टर वाला तरीका मैंने बताया था काउंट के जरिए, है ना, और ये सॉर्टिंग के लिए। तो डैशबोर्ड वगैरह बनते हैं तो यही वाले लॉजिक लगते हैं आपके फॉर्मूला वाले। ये क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। कॉलम एच लुकअप हाइपरलिंक। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे अगर डेटा वैलिडेशन में, हाँ तो डेट, मतलब कैसे चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर कोई ऐड हो, मतलब वैल्यू बढ़े, वैल्यू बढ़े अगर देखो, अगर वैल्यू बढ़ती है ना, तो इसको हमें ना टेबल के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, और वो रेंज से हमें यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी ये क्या है कि ये नॉर्मल वो है, क्या नाम है, एक सेल्स वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं बदल देता हूँ टेबल में। तो टेबल आपका बन जाएगा इंसर्ट से टेबल। ठीक है जी, अब टेबल का नाम क्या आ रहा है आपका, टेबल वन। ठीक है, तो फॉर्मूला में कैसे यूज होगा इसका, और के पोजीशन की जगह फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा रो। ठीक है जी, और इसको भी टेबल बनाना पड़ेगा ताकि इसमें भी इंक्रीज हो तो वो फार्मूला अपने आप बढ़े। ठीक है जी, ये मैं इसका भी एक टेबल बना देता हूँ, डेटा देखते हैं ये टेबल डेटा वैलिडेशन के साथ बनता है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जा रहे हैं हम, तो ये असेंडिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें जो मैंने रेंज दी है ये वाली, इस रेंज को मैंने देना है, टेबल वन था ये आ रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो वो आ जाएगा सेल्स। ठीक है, ये लगाया मैंने, तो इसका मतलब हो गया ये कंप्लीट रेंज। और उसके बाद ये फार्मूला जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 करके आ रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे थर्ड रो में अगर वन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो माइनस टू। ठीक है, सेम चीज़ मैंने लार्ज के फार्मूला में लगानी होगी। अब ये फुल्ली ऑटोमेट होने वाला है ये। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो यहां से आपको टेबल थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आएगा नहीं, कंट्रोल डी मार देंगे चल जाएगा ये। ठीक है, या इस टेबल को मैं ऐसा करता हूँ, ये फार्मूले को आगे ड्रैग कर देता हूँ, ये जो ये फार्मूला आ रहा है ना, इसको टेबल को रेंज को पहले बढ़ा देता हूँ और इस फार्मूले का लगा देता हूँ इफ़ एरर के अंदर, कि अगर कोई एरर आए तो वहाँ ब्लैंक दिखाए। ठीक है, इफ एरर का फार्मूला डाला मैंने, और मैंने कहा कि अगर इसमें कुछ एरर आती है तो इसका वैल्यू इफ़ एरर का पैरामीटर है, वहाँ पर ब्लैंक डाल देता हूँ। तो ये आ गया, ये फार्मूला आपका अमेंड हो गया। अब जैसे ही इसमें वैल्यू बढ़ती जाएंगी, इसमें भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं आपका, मतलब आपको तो मैं खाली अभी डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह से हमारी क्लासेस चलती हैं, उसके बाद आपका अलग से वो होगा जैसा चाहेंगे।
जैसे बीच में यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर दे, इंसर्ट रो इंसर्ट करके देख लेते हैं, पर ये मेरे को इंसर्ट का फीचर ही नहीं देगा मेरे ख्याल से, टेबल में इंसर्ट का नहीं दे रहा है, मुझे देगा ही नहीं ऐसा, ये ऑप्शन, क्योंकि जहाँ टेबल लगी होती है ना उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, क्या चीज़? हाँ डिलीट होगी, डिलीट हो जाएगी, नहीं डिलीट भी नहीं हो रही है। टेबल की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब वैसे वैल्यू डिलीट हो जाएगी यहाँ से, फिर ये आपको मूव अप करनी पड़ेगी तब। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो ऑटोमेशन होता है आपका मोस्टली, उसमें इस तरह के फीचर्स दिए नहीं जाते हैं, ये ऑटोमेटिक चलते हैं एज अ डैशबोर्ड। तो उसमें डैशबोर्ड खाली प्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो वहाँ आप खाली डेटा दिखा सकते हैं, एडिट वेडिट का यहाँ नहीं होता है, कहीं और से आपको पीछे डेटा बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बेस पे होता है, और फॉर्मूले से के हेल्प से आपकी इस तरह से वैल्यू गेट होती है। ठीक है जी, चल तो फिर आगे देखते हैं इसमें और कोई फॉर्मूला हमारे पास। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है ये वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है, मैच इंडेक्स, एक और फॉर्मूला बता देता हूँ आपको हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक और ट्रांसपोज। तो हाइपरलिंक का यूज़ होता है सेल में हाइपरलिंक लगाने के लिए। ठीक है, हाइपरलिंक के फॉर्मूले का क्या यूज़ है? वैसे तो आपको हाइपरलिंक लगाना आता है कि गूगल मैंने किया और यहाँ कंट्रोल के कर दिया, तो मैं कोई भी वेब एड्रेस वगैरह डाल सकता हूँ। ठीक है जी, कि डिस्प्ले करना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करना है, पेज कोई ब्राउज़ करना है, तो वेब एड्रेस डालना है, तो इस तरह से तो आप कर सकते हो। फॉर्मूले से क्या यूज़ है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी, डेटा वैलिडेशन लिस्ट बना दी, मैंने बनाया गूगल, रेडिफ और जीमेल। ठीक है, ये तीन डाल दिए मान लीजिए, ये तीन। अब मैं इसको एक लिंक फॉर्म करूँगा, जैसे कि क्या क्या लगाना पड़ता है, HTTP कॉलन इस तरह से, फिर इसको कंकैटिनेट करने से पहले, अभी www डॉट कंकैटिनेट कर दिया यहाँ जो वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद डॉट कॉम। ठीक है, तो वैल्यू वो सेल से उठा लेगा। अब ये मैं डाल दूंगा हाइपरलिंक के फॉर्मूला में। हाइपरलिंक का फॉर्मूला दो पैरामीटर लेता है, एक लिंक लोकेशन, ठीक है जी, और एक फ्रेंडली नेम। फ्रेंडली नेम आपका हो जाता है, आप नाम देंगे कोई भी, कि गो कर देता हूँ जो दिखाना है उसको, तो ये गो करके दिखा रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये गूगल को रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, गूगल यहाँ पे आपका ये गूगल खुल गया, और यहाँ पे जीमेल कर देता हूँ तो ये जीमेल पे चला जाएगा, जीमेल दिखा रहा है, तो ये आपका उसमें जाएगा अगर उसका वेब एड्रेस होगा तो। ठीक है, पहले लॉगिन मांग रहा है उसमें, रेडिफ खुलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका ये जो यूज़ होता है वो होता है डैशबोर्ड्स की तरह हाइपरलिंक लगाने में। जैसे मैंने एक शीट करी, ये मान लीजिए मेरी मेन शीट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक लगाना है
पहले तो मान लीजिए होम का बनाना है मुझे, ठीक है, या बैक का बनाना है, होम का बनाना है मतलब। तो मैंने ये शीट को शिफ्ट करके सिलेक्ट किया, ये सारी ग्रुप हो गई। यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइपरलिंक, लिंक लोकेशन हो गई मेरी शीट, मेन शीट है ना, मेन पे A1, ठीक है जी। और इससे पहले मेरे ख्याल से वर्कबुक का नाम भी देना होता है मुझे, तो मैं दे देता हूँ बुक 2, ठीक है। ये फ्रेंडली नेम होम लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये, इससे क्या हुआ कि सब पे एक साथ लग गया, तो मैं होम क्लिक करूँगा तो ये मेन शीट पे आ जाएगा, कहीं भी होगा। अब मुझे अलग अलग शीट का देना है, तो यहाँ पे मैं चाहे डेटा वैलिडेशन वाला लगा दूँ या इस तरह से कर दूँ शीट 1 शीट 2 करके, ये बना दिया। शीट 3 तक दे दिया, और यहाँ मैंने हाइपरलिंक का फॉर्मूला लगा दिया, हाइपरलिंक लिंक लोकेशन। तो ये होगी हमारी बुक 2, और शीट नेम कौन सा हो जाएगा, शीट नेम हमारा इधर से पिक करेगा, और एंड करके फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और फिर जो भी सेल रेंज देना चाहते हैं, A1 पे जाना है, जहाँ पे भी जाना है, और यहाँ कर देंगे गो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर दूँगा, चाहे तो ड्रॉप डाउन में लगा सकते हैं। तो शीट 3 पे जाना है, यहाँ चले गए, वापस आना है, इधर आ गए। शीट 1 पे जाना है, पहुँच गए, वापस आना है यहाँ। तो फॉर्मूले का यूज़ होता है कि आप इसको मतलब ऑटोमेशन के लिए यूज़ करें, जल्दी जल्दी एक साथ कहीं 500 शीट पे आपने लगा दिया, इंडेक्स ऐसे बनाना है शीट्स पे, तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल में जानने के लिए, क्योंकि कई बार ये हाइपरलिंक बड़े आराम से नहीं लगेगा, आप ये जो फार्मूला का जो स्क्रीन टिप आ रही है, इसके नाम पे क्लिक करें, और कैसे दिया जाता है विद इन शीट या विद इन रेंज, किस तरह से दिया जाता है वो आपको बताएगा, ठीक है। लिंक लोकेशन रिमार्क एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने वेब एड्रेस, वेब से कोई फाइल खोलनी है तो कैसे खुलेगी, ठीक है, फाइल खोल के उस पर कहाँ जाना है, इस तरह से दिया है, ठीक है। और आगे इसमें, हाँ, ये डबल स्लैश कब लगता है, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ डी फाइल सेल एज द जंप इंडेक्स एंड ओपन्स द वर्कबुक सेव्ड ऑन फाइनेंस सर्वर। तो ये जो किसी सर्वर पे सेव है, वहाँ पे ये किसी जगह सेव है, तो इस तरह से एड्रेस दिया जाएगा, ठीक है। कोई इसके बाद ये क्या कर रखा है, माइक बुक XLS, हाँ, ये इस तरह से देंगे तो इस जगह पे जाके टोटल वाला दूसरी वर्कबुक में जाके खोल देगा। ये जो है ये सेम वर्कशीट पे चलेगा, सेम वर्कबुक में, ठीक है, ये सेम शीट पे चलेगा लिंक, ठीक है। तो इस तरह से दिए जाएंगे ये, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। तो किसी और फाइल से कनेक्ट करना है या सेम वर्कबुक में कैसे करना है, वो आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज, ट्रांसपोज किस लिए यूज़ होता है, अभी जो मैंने आपको इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू दिखाया था कि अगर हमें ऐसे करना हो वैसे करना हो, तो ये ट्रांसपोज का फॉर्मूला भी कर लेता है। ट्रांसपोज आपने उसमें यूज़ किया होगा पेस्ट स्पेशल में, पर यहाँ ट्रांसपोज का मतलब कुछ और है। उस लिंक का फ़ायदा क्या होता है, अब मान लीजिए ट्रांसपोज करना है, मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा पहले उतना एरिया जिसमें डेटा आ जाएगा, फिर इक्वल टू ट्रांसपोज मतलब इसी में ही, और ये पूरा एरे सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, इस फॉर्मूला को एंटर करके नहीं एंटर करना है, इसको करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तब आपका चलेगा, ठीक है। ये एक एरे फॉर्मूला है, ये देखिए कर्ली ब्रेसिस हैं, ये जो अपने आप आए हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से आएंगे ये खाली।
अब इसमें क्या है कि आप कोई फिगर चेंज करते हो तो ये आपको यहाँ पे चेंज दिखा देता है। अब इसको, और हाँ ये फार्मूला ऐसे डिलीट भी नहीं होता क्योंकि ये एक ही फार्मूला इन सब पे लगा हुआ है, ये फार्मूला की कॉपी नहीं है जो हर सेल में कॉपी हो जाए, ये एक फार्मूला मल्टीपल सेल पे लगता है। तो एरे फार्मूला जब हम देखेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ट्रांसपोज का भी एक एरे फार्मूला है तो इसीलिए इसको लगाने का तरीका कंट्रोल शिफ्ट एंटर है। तो मैंने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक मतलब जितना भी लाना है ट्रांसपोज, और ये सिलेक्ट किया और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये भी सेम वही काम कर रहा है जो मैंने फार्मूला से करके दिखाया, पर इस फार्मूला की अपनी लिमिटेशन और कॉम्प्लिकेशंस है तो इसलिए मैंने वो तरीका बताया। ठीक है, तो ये आपका था आज का लुकअप एंड रेफरेंसेस का सेशन वन। कल हम करेंगे लुकअप एंड रेफरेंसेस में एच लुकअप, वी लुकअप, मैच इंडेक्स, ऑफसेट। ठीक है जी, तो आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते हैं।